हमारी जिंदगी में आ जाना, जो काम हमें करते रहते वो बोलना किसी को तकलीफ नहीं। सुनिए एक बात, देखी हुई बात, पढ़ी हुई बात भूल जाते, लेकिन जो काम हमें करते रहते वो किसी भी हालत से भूलते नहीं। हमें दुनियादारी कर रही, कोई हमारे से आपको हमारे काम के बारे में, जो सबके अपने अपने काम आए, किसे तो भी पूछ लें दे, बगैर रुके के नॉन स्टॉप गाड़ी चलते चलते, ऐसा करे तो फायदा, ऐसा करे तो नुकसान, ये करे तो फायदा, ऐसा करे तो नुकसान, यानी कि हम बोलो बस भाई हमारी समझ में आ गया कहते और भी बोलते चलो, ये वक्ता बोलते ही कहते हमें वो काम कर ली, जिसकी वजह से आदमी पूछने से पहले हमें बोलने तैयार हो गए। अब ये सरकार हमारी से बाकी पंजत ने बाकी आशिकी दी इसी है कि ये खाली बोलने और सुनने की आशिकी नहीं है, ये करने की आशिकी है। जब इनके नक्शो कदम, इनके अमल हमारी जिंदगी के अंदर उतर जाती तो उसके बाद अपना कोई भी पूछने की जरूरत नहीं। हर कोई भी हम नाम मिलता है तो सरकार की शान में बोलना शुरू कर रहा है। तो ये चीज हमारे अंदर लाना जरूरी है। हर एक आशिक के सामने हमारे सरकार की बात सुनाने वाले बन जाना, हमें बोलते रहेंगे तो एक ना एक दिन सुनने वाले यहाँ जरूर तशरीफ ले लेंगे। तो इसके बारे में हमें गए जुमेरात को पूरी गौर व फिक्र करें, सब अपनी अपनी राय दिए कि ऐसा करें तो बेहतर है, ऐसा करें तो बेहतर है। चलो जो कुछ भी सोचे समझे बोले, सबकी आशीर्वाद को सरकार को मिल पाना। तो हमारे सामने सरकार के हो जाए काम की आशीर्वाद को हमें बोलते रहना सीख कर। अब सबकी बात से यह तय हुआ कि चांद रात की पहली जुमेरात को, हमारी दरगाह में हजरत मुर्शिद अली बाबा के दरबार में नवचंदी का जश्न मनेगी, साथ में ख्वाजा गरीबुल नवाज की छठी भी मनेगी, जिसकी मेहनत हमें हर रोज करते रहना। एक तो आने वाले मेहमानों के वास्ते हमें सब मेजबान, आने वाले मेहमानों के वास्ते क्या क्या चीज की तैयारी करना, इसके बारे में हमें गौर व फिक्र करना। मेहमान तो दावत दे तो आते और कार्रवाई खत्म होने के बाद चले जाते, अब ये आए हुए मेहमानों को हमें मेजबानी क्या क्या करना, ये भी दिमाग में रहना हमारे जरूरी है। आए हुए मेहमानों को किसे किसे कौन कौन मिलते हैं, एक तो उनको खिलाना पिलाना, खुशी से मुसाफिया करना, गले मिलना, ये एक बात है, और जो बात सरकार की हमना याद है वो उनको सुनाना। मिलने के बाद में दुनियादारी की कोई बात नहीं करना, भाई तुम्हें आगे सो बहुत बड़ी हमारे वास्ते खुशी है, तुम्हारे आने से महफिल में रौनक आ गई, तुम्हारा आना मुबारक हो, आज जैसा आप वहीं हर हफ्ते यहाँ तशरीफ ले लोग आओ, यहाँ सरकार वारी से पाक का जश्न मनाती, हमें सरकार वारी से पाक की शान में कुछ बोलते और सुनते रहती। सरकार हमारे सरकार वारी से पाक आले पंजतन के ही मुख्तसर में बता रहा हूँ, जिसके दिमाग में जो आंदे ये बोलना जरूरी नहीं, सरकार की शान में कौन सा भी वाक्य आंदे वो मौके की नजाकत देखकर उनके सामने पेश कर। हमारे सरकार वारी से पाक आले पंजतन के ही, पंजतन ही घराने के ही, इमाम हुसैन के 26वीं पुश्त के ही, सरकार वारी से पाक दुनिया में आने से पहले बहुत सारे औलिया इकराम सरकार वारी से पाक दुनिया में आने को बशारत दिए थे, जैसा कि सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुनिया में आने से पहले कई लाख पैगंबर सरकार दो जहां आने की गवाही देते थे कि फलां वक्त में फलानी सदी में आखिरी जमाने में सरकार दो जहां आखिरी नबी आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनके सिफात ऐसे थे ऐसे रहेंगे, उनके अखलाक ऐसे रहेंगे, उनके किरदार ऐसे रहेंगे, उनकी मोहब्बत और आशिकी ऐसी रहेंगी, सारे पैगंबर जैसा बता देते ऐसा औलिया इकराम सरकार वारिस पाक आने की पहचान बता देते। सरकार वारिस पाक आने की गवाही देते थे और सरकार वारिस पाक आने से पहले थे उनके आल के पुत्र अब्दुल रज़ाक शाह बांसुरी रहमतुल्लाह अलैह जो आले पंजतन के ही सरकार वारिस पाक के दादाओं में से ही, उन्होंने खुद बोलते थे कि मेरी पांचवी पुश्त में ये ऐसा आफ्ताब खुलू होने वाला है, यानी कि एक ऐसा सूरज निकलने वाला है जिसकी रोशनी से सारी दुनिया जगमगा उठती है, जिसकी रोशनी से सारी दुनिया जगमगा जाती है। ऐसा सूरज हमारे खानदान में हमारी हमारी आल में खुलू होने वाला है। सैयद मीरान रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार वारिस पाक के दादा हैं, उन्होंने देवा शरीफ में नहीं थे बल्कि देवा शरीफ से पहले बाराबंकी में रहा करते थे, उनका पूरा खानदान बाराबंकी में रहता था। मीरान सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ की तरफ अपने सीने मुबारक को पर वो खड़ जाते और दुआ करते थे कि जो सूरज जो आफ्ताब हमारी आल में खुलू होने वाला है उसके सदक़े में उसके बरकतों में हमारी इबादतों को कबूल करो। सलामत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक तालाब के किनारे सरकार वारिस पाक के दादा है, एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे चंद दोस्तों के साथ, तो वहाँ से एक फकीर का गुजर हुआ। वो फकीर सलामत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को क्या बोल रहे, अन करीब तुम्हारे खानदान में तुम्हारी पुश्त में से एक ऐसा रोशन सूरज खुलू होने वाला है जिसकी रोशनी में सारी दुनिया मुनव्वर हो जाए। तो ऐसे वाकयात को हमें अपने दिमाग में बिठा कर रखना, हमें याद करके रहना, हर कोई भी मिलती तो हमें हमारे सरकार वारिस पाक की शान में कुछ ना कुछ बोलना और सुनना, ताकि आने वाले हमको समझ में आ जाना कि यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, यहाँ हमें कई को ये कार्रवाई कर रही, हमें ये कार्रवाई कई को कर रही, ये जश्न कई को मना रही, ये बार बार हमारा जुड़ना कई को हो रहा है, हमारा इस जुड़ने का मकसद क्या है, ये सारे बात अगर बता दे तो हर कोई भी बताते रहे तो मालूम नहीं सरकार वारिस पाक की बेनियाजी, सरकार वारिस पाक की बेनियाजी कब जोश में आ जाचे, सरकार वारिस पाक की रहमत कब जोश में आ जाचे और किसकी बात किसकी समझ में आ जाचे। तो सरकार वारिस पाक की शान में हमें यत्ता बोलना कि वो नक्श कदम हमारी जिंदगी में आ जाए। सरकार वाली से पाकि तो पूरी सीरत ऐसी है, सरकार वाली से पाकि पूरी सीरत ऐसी है कि वो सुबह शाम बोलते रहे तो भी कम है। एक एक नक्श कदम को भी हमें अमल करेंगे, बोलते और सुनते रहेंगे तो सामने वाले के ऊपर असर पड़ेगा। ये हमारा यत्ता ये 20-25 का मजमा कल हजारों में बदल जाता है। कौन कौन कैसी कैसी मेहनत पड़ती सरकार वारिस पाक सबको भी उनका हक उनको देगा।
एक जगह सरकार वाली से पास क्या बताते, हमें आले पंजतन के हैं, हमें आले पंजतन के हैं, हमारे ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखा, हमें किसी का कर्ज नहीं रख लेते। कौन कौन कितनी कितनी मेहनत पड़ती उन कहा उन उनको दे दो, चाहे जीते जी मिल जाए हक, चाहे उनका हक जीते जी मेहनत भी कर रही और उनका हक भी उनको मिल जाए। बाज अदमिया मेहनत करती करती मेहनत की मजदूरी नहीं मिलती, समझ में नहीं आता। सरकार वाली से पाक आले पंजतन वाले रुक रखे रहते, जिसे दुनिया में नहीं देते उसे उसके मरने के टाइम को दे, मरने के टाइम को उन्हों जो मेहनत करको ही उनका जत्ता हक है वत्ता हक उनको पहुंचा बनते, मरने के टाइम को भी नहीं मिलिया, मरने के टाइम को भी नहीं मिलिया तो मायूस होने की जरूरत नहीं। की कहो ये आले पंजतन के नूरानी घराने के उन्हों किसी की गर्त नहीं रख लेते, जिसकी मेहनत का फल उसे दुनिया में भी नहीं मिला, मरने के टाइम को भी नहीं मिला, हमें उसकी खबर में ले जाकर ठोस दो। हर किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती, कौन कितनी मेहनत करती वत्ता उनका हक उनका फल उनको मिल जाता। तो हमें सब मिलकर एक मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह सरकार हमारी से पाक किस किस की मेहनत को किस किस के नियत को कैसा कैसा प्रयोग करना लेती वो सरकार हमारी से पाक खूब जाएंगे। सरकार आलम बना हमारी से पाक हमें जो बोले सुने वो हमारे जिंदगी में दादा बंदे नक्श कदम बना कर दे। सरकार वारिस पाक हम सबको कबूल फरमा और क्या नौचंदी की तारीख 19 जुलाई चांद के 5 तारीख आ गई। आज से अगर मेहनत करें हमें तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा मौका आता है, इंशाल्लाह सबको भी कुछ ना कुछ बताने का मौका भी मिलता है, इंशाल्लाह सबको भी कबूल फरमा। सब याद रखते रहो 19 तारीख और खुशूस ने हमारे मुझे भी याद रखना बहुत जरूरी है और हमारे शाह साहब याद रखना बहुत जरूरी है। कौन नहीं याद रखे तो बाजा दो जने याद रखना जरूरी है, पकाने वाले ना भाई उनको बैठ गया तो तारीख हम दूसरे और नौचंदी में नौचंदी का वक्त।